नमस्कार मित्रों, मैं मिथिलेश तिवारी आज आप लोगों को भारत के 28 राज्यों के बारे में बताऊंगा, विशेषकर उसके शाब्दिक अर्थ के बारे में। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो शाब्दिक अर्थों पर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, विशेषकर जिले और राज्य या देश तो उसका शाब्दिक अर्थ जरूर पूछा जाता है। जैसे मुझसे पूछा गया था, मैंने 6 इंटरव्यू दिए और एक इंटरव्यू में पूछा गया था हरदोई के बारे में, तो हरदोई के 2 अर्थ निकलते हैं, एक हरदोई अर्थात भगवान दो, विष्णु दो, ईश्वर दो, दोई दो, हरि विष्णु, विष्णु दो अर्थात भगवान दो, अपने आप को दो भगवान मानने वाले, हरिद्रोही अर्थात विष्णु के द्रोही शत्रु, विष्णु के शत्रु। तो इस तरह से शाब्दिक अर्थ बहुत पूछे जाते हैं जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बच्चों को। तो आज का वीडियो हमारा शाब्दिक अर्थ पर होगा, भारत के 28 राज्यों के बारे में। तो पहला लेते हैं, क्योंकि ईश्वर से ही हम शुरुआत करते हैं। पहला हरियाणा, हरियाणा, हरि माने विष्णु, आणा, अणा का ना, हरि का आना, हरि का आना अर्थात ईश्वर का स्थान, विष्णु का आना, ईश्वर का आना, विष्णु का स्थान या ईश्वर की भूमि, तो ईश्वर का निवास, तो हरियाणा का अर्थ है ईश्वर का निवास। तो हरि प्लस आना, हरि का आना, हरियाणा अर्थात ईश्वर का आना, ईश्वर की भूमि, ईश्वर का स्थान, भगवान का स्थान। दूसरे पे आते हैं पंजाब, पंजाब जिसको पंचनद कहा जाता है, 5 नदियों का प्रदेश कहा जाता है, पंचनद 5 नदियों का प्रदेश। वैदिक सभ्यता में इसको सप्त सिंधु कहा गया है, सप्त सिंधु कहा गया है अर्थात 7 नदियों का प्रदेश कहा गया है इसको, तो सप्त सिंधु 7 नदियों का प्रदेश अर्थात यहाँ पर पंचनद की बात हुई है, 5 नदियों की भूमि या 5 नदियों का प्रदेश। एक यूनानी लोग इसको पेंटा पोटामिया के नाम से पुकारते थे, पेंटा पोटामिया के नाम से इसको पुकारते थे। अब आते हैं अगले पर राजस्थान, राजस्थान अर्थात राजाओं का स्थान, राजाओं का स्थान या राजपूतों का स्थान, राजस्थान या जिसको बोलते हैं सूर्य भूमि की धरती, वीरों की धरती, राजपूताना से राजपूतों की धरती राजस्थान। अगले पे आते हैं गुजरात, गुजरात अर्थात गुजरने वाला, गुजरात गुजरने वाला, तो गुजरात गुजरने वाला, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र अर्थात महा से महान और राष्ट्र माने देश, राष्ट्र माने प्रदेश, प्रांत महान, प्रांत महान प्रदेश, तो महाराष्ट्र महान प्रदेश। अगला आपका कर्नाटक, कर्नाटक का अर्थ है एक अर्थ करु से अगर लेंगे तो कर का अर्थ होता है काला, काली भूमि या ऊंची भूमि, तो ऊंची भूमि कर्नाटक का अर्थ है। गोवा, गोवा तो गोवा जो गोपराष्ट्र जिसको बोलते थे, गोपराष्ट्र अर्थात गाय चराने वाले, गाय चराने वाले। केरल, केरल अर्थात केरल को कहा जाता है नारियल का, नारियल की भूमि, नारियल का पेड़, नारियल का पेड़ या नारियल की भूमि। आते हैं अगले पे तमिलनाडु, तमिलों का देश तमिलनाडु, तमिलों का देश तमिलनाडु। आंध्रा, आंध्र प्रदेश, तो आंध्रा, आंध्रा का मतलब होता है पश्चिम, आंध्रा का मतलब पश्चिम, तो पश्चिमी प्रदेश आंध्रा हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप फिर ऊपर चलेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का मतलब होता है उत्तरी प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तरी प्रदेश। उत्तराखंड, उत्तरा उत्तरी या उत्तर, खंड माने भाग, उत्तर का भाग, उत्तर का खंड, उत्तर का भाग, उत्तरी उत्तर प्रदेश में उत्तर का, उत्तर की भूमि, उत्तर की भूमि उत्तर प्रदेश अर्थात उत्तर का प्रदेश उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं अरुणाचल, अरुण और अचल से बना हुआ है, तो उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज ऐसा देश जहाँ पर सूर्य का स्वागत सबसे पहले होता है अर्थात सूर्य का स्वागत करने वाला देश या सूर्य का स्वागत करने वाला पहला प्रदेश, तो
उगते हुए सूरज का देश अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब आते हैं आगे मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का अर्थ है मध्य माने बीच का, मध्य माने बीच का, प्रदेश माने प्रदेश, मध्य का प्रदेश। इसको बोलते हैं दिल, मध्य का दिल अर्थात भारत का दिल, भारत का दिल मध्य प्रदेश। पे आते हैं असम का प्राचीन नाम प्रागज्योतिषपुर, पुराणों में इसे कामरूप कहा गया है। असम शब्दावली पर जब जाएंगे अ धन सम, सम माने बराबर, अ माने जो ना हो, जो सम ना हो, जो बराबर ना हो, उसको बोलते हैं असम। प्रागज्योतिषपुर प्राचीन नाम, पुराणों में कामरूप। छत्तीसगढ़, छत्तीस एक संख्या, गढ़वाने किला, गढ़वाने किला, छत्तीसगढ़, छत्तीस माने छत्तीस नंबर संख्या, छत्तीसगढ़ माने किला, जहां पर छत्तीस किले हो अर्थात छत्तीस किले, छत्तीसगढ़ छत्तीस किले। झारखंड, झार माने झार झंकार जंगलों वाला, झारखंड माने भाग अर्थात जंगलों वाला भाग, झार झंखाड़ वाला देश प्रदेश, झार झंखाड़ वाला प्रदेश या भाग या हिस्सा, जंगलों वाला हिस्सा झारखंड। तो झारखंड जंगलों वाला भाग, जंगलों वाला प्रदेश, तो झारखंड झार झंखाड़ का देश। पश्चिमी बंगाल, पश्चिम पश्चिमी पश्चिम, बंगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के पश्चिम, पश्चिम माने पश्चिम और बंगा माने बंगाल की खाड़ी, और दो भी हैं बंगा अर्थात बांग्लादेश, बंगा माने बांग्लादेश और बंगा पश्चिमी बंगाल, तो आप दोनों कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी के पश्चिम, बंगाल की खाड़ी के पश्चिम और बांग्लादेश के पश्चिम, पश्चिमी बंगाल। त्रिपुरा, तीन नगर, त्रिपुरा, त्री तीन पुरा नगर, तीन नगर त्रिपुरा, तीन नगर। मिजोरम, मिजोरम 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 मिजो से बना अर्थात मिजो माने पहाड़ी, मिजो मीन्स पहाड़ी, पहाड़ियों का नगर, पहाड़ियों का प्रांत, पहाड़ियों का प्रांत मिजोरम, पहाड़ियों वाला प्रांत, पहाड़ियों का प्रांत मिजोरम। मिजोरम अर्थात पहाड़ी लोगों की भूमि, मिजोरम पहाड़ी लोगों की भूमि। अब जानते हैं पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं, सात राज्य, उनको सात बहने कहा जाता है, जैसे त्रिपुरा है, नागालैंड है, मिजोरम है, ये सब जितने हैं नागालैंड है, असम है, मेघालय है, तो इनको जो है सात को मिला करके सात बहने कहा जाता है। नागालैंड, नागालैंड नागों की भूमि, नागालैंड नागों की भूमि। बिहार, बिहार अर्थात बौद्ध मठ, बुद्ध की भूमि, बिहार बौद्ध मठ, बुद्ध की भूमि, बुद्ध की भूमि बिहार। बिहार और स्तूप में अंतर है, बिहार और स्तूप में अंतर है, खैर उस पे नहीं जाएंगे। बिहार बुद्ध की भूमि या बौद्ध मठ। मणिपुर, मणि और पुर, मणि और पुर, मणि माने रत्न, मणि माने आभूषण, तो रत्नों की भूमि, आभूषणों की भूमि, रत्नों की आभूषणों की भूमि मणिभूमि। शब्दावली को अगर अलग अलग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रत्नों की भूमि मणि, रत्न मणि, आभूषण आभूषणों की भूमि, रत्नों की भूमि। हिमाचल प्रदेश, हिम का आचल, हिम माने बर्फ, हिम माने बर्फ, बर्फ कहाँ पहाड़ियों पर, तो पहाड़ियों का प्रदेश, पहाड़ियों की भूमि हिमाचल प्रदेश, पहाड़ियों की भूमि हिमाचल प्रदेश। मेघालय, मेघ का आलय, मेघ का घर, वर्षा का घर मेघालय, मेघ का घर वर्षा का घर मेघालय। तेलंगाना, तेलुगुओं की भूमि, तेलुगुओं की भूमि, तेलंगाना अर्थात आंगन, किसका किसका आंगन, किसकी भूमि किसकी धरती, तेलुगु तेलुगु लोगों की भूमि, आंगन तेलुगु लोगों की भूमि। तेलंगाना तेलुगुओं की भूमि, तेलुगुओं का आंगन तेलंगाना। पूर्वी दिशा की गुफा, सिक्किम पूर्वी दिशा की गुफा, या चावल की भूमि, चावल की भूमि, चावल की घाटी तिब्बती भाषा में, चावल की घाटी, चावल की भूमि। इस तरह मैंने 28 राज्यों के बारे में आपको बताया, 28 राज्यों की शब्दावलियों के बारे में,